Evoni Salon is back again with an amazing and trendy nanoplastia hair treatment video. तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमने हमारे क्लाइंट को प्रोफेशनल लॉरियल एक्सटेंसो शैम्पू से हेयर वॉश किया। हेयर वॉश के बाद हमने अच्छे से उनका हेयर कोम्ब किया, फिर ब्लो ड्राई करना शुरू किया। हेयर वॉश के बाद ब्लो ड्राई करना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ब्लो ड्राई बालों में स्मूथ और वॉल्यूमिनस लुक देता है। Now let's move on to the actual procedure, which is application of nanoplastia smoothing cream into the hair. तो पहले हमारे हेयर स्टाइलिस्ट ने मैम के बालों को क्लिप्स में डिवाइड करके नैनोप्लास्टिया क्रीम को बालों के एक एक स्ट्रैंड में बारीकी से अप्लाई किया। हमें याद रखना है, नैनोप्लास्टिया क्रीम कभी भी स्कैल्प तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्रीम सिर्फ बालों के हेयर स्ट्रैंड्स पे ही लगाया जाता है ताकि कोई डैमेज ना हो। नैनोप्लास्टिया क्रीम बालों को रिपेयर करके फ्रीजी डैमेज हेयर से छुटकारा देता है। नैनोप्लास्टिया इज अ न्यूट्रिएंट बेस्ड ट्रीटमेंट जो बालों में विटामिन और न्यूट्रिएंट फिल करके बालों में शाइन देता है। क्रीम बालों पे लगभग 60 to 90 मिनट्स तक रखा जाता है ताकि क्रीम कम्प्लीटली अब्सॉर्ब। उसके बाद हम बालों को फिर से ब्लो ड्राई करते हैं, लेकिन इस बार लो हीट सेटिंग में ताकि बालों में कोई डैमेज ना हो। लास्टली वी डू हेयर स्ट्रेटनिंग। हम बालों के एक एक सेक्शन को डिवाइड करके इवेनली बालों को स्ट्रेट करते हैं विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के बाद आप बालों में 100% फ्रीज फ्री और स्मूथनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस, द हेयर इज लुकिंग सो स्मूथ एंड स्लीक। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।